हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दूध कैसे बनता है जय? दूध अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन कई बार संपूर्ण आहार भी जहर बन जाता है। ऐसा तब होता है जब आप गलत चीज़ के साथ उसका सेवन करते हैं। अमृत समान दूध के लिए कौन कौन सी चीज़ें जहर हैं? दूध और मछली। मछली शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन जब आप इसे दूध के साथ लेते हैं तो इससे पेट में जहरीले पदार्थ पैदा होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों पदार्थ साथ में खाने से पेट में अम्ल पैदा करते हैं, जिससे बदहजमी और पेट में दर्द की समस्या होती है। नियमित तौर पर खाने से ये शरीर के कई क्रियाओं और हार्ट को परेशानी में डालती है। दूध के साथ अंगूर, संतरा, लीची और नींबू, इनका सेवन न करें। फल भी अमृत समान है, लेकिन जब आप इसे दूध के साथ खाते हैं तो ये नुकसान भी कर देते हैं। कुछ विशेष तरह के फल जैसे संतरे, अंगूर, नींबू, लीची और खट्टे फलों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें दूध को फाड़ देती है, जिससे नुकसान होता है। वैसे माना जाता है ये सारे फल आपके पेट को ठंडा करते हैं, जबकि दूध गर्म करता है, जिससे आपके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये पेट में असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे पेट में अम्ल या जहरीले पदार्थ बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जुकाम, खांसी, कफ और एलर्जी होती है। दूध और नमक। दूध और नमक एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। दूध को कई व्यंजनों का आधार माना जाता है, जबकि ऐसा मानकर हम शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेने का प्रभाव आपको एकदम से नहीं दिखेगा, ये आपको कई सालों बाद प्रकट होगा। इससे सफ़ेद रोग भी होता है। दूध और मांस। दूध एक संपूर्ण व पौष्टिक भोजन है और मांस को भी संपूर्ण आहार में गिना जाता है, लेकिन इन सारे विटामिन्स और प्रोटीन को पचाने में शरीर को थोड़ा वक्त लगता है। ऐसे में जब आप दोनों चीज़ें साथ में खाते हैं तो शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।